दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं धमतरी के भटगांव ज़िले के यहाँ पर इस पूरे एरिया में। आप देख सकते हैं मेरे साथ स्व सहायता समूह की दीदियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, 2017 में लगातार जुड़ी हुई हैं। एक हमारी दीदी ये हैं जो अभी भिंडी की तुड़ाई कर रही थी। मैं इस वक्त खड़ी हूँ, देखिए आप, भिंडी का खेत है ये और दीदियाँ ऑलरेडी तोड़ चुकी हैं। मैं भी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ भिंडी तोड़ने की। चलिए फाइनली मुझे कुछ भिंडियाँ मिल गई हैं। चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ, दीदी आइए इस तरफ। बिहान राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से आज जो हमारी स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी में जो विकास हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आ रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आज हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हुए थे इनकी आजीविका, इनकी दिनचर्या, इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानने के लिए। और बड़ी गहराई से हमने देखा कि जैसे दीदी ने अभी हमको बताया कि एक तरफ दाहिनी तरफ मेरे पूरा लेमन ग्रास है, जिसका सब्जेक्ट हम सभी जानते हैं कि बड़ा वास सब्जेक्ट है, बहुत रिच सब्जेक्ट है लेमन ग्रास, जिसको चाय में डाल करके वो अदरक की तरह से औषधि के रूप में उसको खाया जाता है। उसको 3 से 4 एकड़ में उसको बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ मैं खड़ी हूँ, ये भिंडी की खेती है। मेरी बाईं तरफ आप देख सकते होंगे पूरा बहुत बड़े पैमाने पे केले की खेती की गई है जो अभी फ़िलहाल पहली बार की गई है। और उस केले की खेती के बीच बीच में एलोवेरा भी लगाया गया है, क्योंकि एलोवेरा की डिमांड औषधि के रूप में होती है। तो मेरे साथ हैं किरण दीदी और मैं सभी दीदियों से बात करूंगी। मैं किरण दीदी से ये जानना चाहती हूं कि आप 2019 से लगातार इस परियोजना से जुड़ी हुई हो। दीदी, क्या महसूस करती हो बिहान परियोजना से जुड़ने के बाद, क्या परिवर्तन देखती हो अपने जीवन में? जब से हम लोग बिहार से जुड़े हैं, हमें यहाँ लेमन ग्रास की खेती करने के लिए ज़मीन दी गई है। जी जी। 4 एकड़ में लेमन ग्रास लगा हुआ है, 1 एकड़ में हम लोग सब्जी लगाते हैं हर साल। इस साल के और जैसा कि अभी आपने बताया कि सब्जी भी लगा रहे हैं हम, केले भी लगा रहे हैं, उसके अलावा एलोवेरा की भी खेती हो रही है। जी जी। तो इसका क्या प्रतिसाद मिल रहा है? जितना भी यहाँ से हम लोग लगाते हैं उसका सारा जो आए हैं वो हम सभी मिल के लगाते हैं और मिल के ही पूरा बांटते हैं सभी। अपने जीवन में बिहान के साथ में जुड़ने के बाद में आपके दिनचर्या में या जो आर्थिक स्थिति है, मैं इतना कहूँगी, उसमें क्या कोई परिवर्तन देखते हैं आप? जी मैडम, पहले हम लोग घर में ही रहकर कुछ नहीं जानते थे बाहर में क्या हो रहा है जी घर के, लेकिन अब कि ये सब भी काम किया जा सकता है और इससे आजीविका हासिल की जा सकती है, ये पता ही नहीं था। बाहर निकल के जैसे कि सब्जी की खेती है, एलोवेरा है, यहाँ पर पूरा जैविक खेती की जाती है हमारे पास। यहाँ पर बहुत सारा जो ये लगा हुआ है औषधि पौधे लगा हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अब हम लोग जब से बिहार में जुड़े हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तब से हम लोगों को खेती कैसे करना है, सब्जी का जैविक खेती के बारे में, और जैसे दवाई के रूप में हम लोग एलोवेरा है, पुदीना है, गिलोय है, इसका सब खेती करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई विभाग की ओर से? जी हाँ, उद्यान के विभाग से यहाँ भैया आके हमें रोज ही ट्रेनिंग देते थे कि कौन सा पौधा कैसे लगाना है, उसमें खाद कब डालना है, बीज कब डालना है, कीड़े लग जाने और पर कीड़े, हाँ, कीड़े लगने पर कैसे उसका देख रेख करना है, सारी चीज के हम लोगों को पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। मतलब अभी आप लोग एकदम परिपक्व हो गए हैं? जी मैम जी, हम लोग पूरा ट्रेनिंग ले चुके हैं कि कौन सा पौधा किस समय मौसम में डालना है और कब कटाई करना है।